मोगी भाई, मोगी भाई, इलेक्ट्रो ड्रैगन्स को कहाँ छोड़ आए? तो भाई आप लोगों के लिए पिंजरे में से बाहर निकालेंगे लठ मार के इलेक्ट्रो ड्रैगन्स को। और जब वो लठ मार के निकलेंगे तो आपको पता ही है, अपनी पिटाई का बदला सीधा जाके अपोनेंट से लेंगे। तो स्वागत करते हैं पापा मोगेम्बो, सभी बालक बालिकाओं, छोड़ छोरियों, लोंडे लोंडियों, मेरे सभी प्यारे नाना मामा फूफा चरताओं के बालकों के साथ, निब्बा प्यार प्यारी इम्बियों का भी एक से दूसरा जुड़ा रहता है। आप यहाँ देखिए, एक लंबी गैलरी दिखेगी, आप गैलरी देखिए, आप इधर इसको टाइम ध्यान से देख रहे हैं, आप इधर मत देखिए, ये लंबी गैलरी देखिए। ऑर्डर ऑफ ओडिन के साथ बजेगा जूता। 12 अटैक कर दिए इन्होंने, 25 स्टार मार दिए मेरे ऊपर, अब मैं बना दूंगा इनका भूत। अब सबसे पहले करेंगे हम टाउन हॉल 9 के ऊपर अटैक, विद प्लान बताऊंगा आपको। देखो प्लान समझो, आप मेरा कितना खतरनाक प्लान बनाता है तारा भाई मोगेंदर। यहाँ से फनल बनाऊंगा गाइस में, और इधर फनल बनाऊंगा, ठीक है। और मैं लेके आया हूँ होग राइडर्स खूब सारे, ठीक है। होग राइडर हिल करेंगे, यहाँ से हमारी मेन आर्मी जाएगी जो इस वाले कंपार्टमेंट को टेक डाउन करेगी। मेन आर्मी हमारे एक पैका है, एक गोलम है, सीसी वाले बॉलर्स हैं और रेज है, ठीक है। तो इसको जाके और इसको क्वीन को भी जाके टेक डाउन कर देंगे वो। उसके बाद हम बाकी के बेस पर होग राइडर दौड़ा देंगे, ये हमारा प्लान है। आइए गाइस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट तो अब देखो, ये हमारी आर्मी है, ये हमने अटैक पे क्लिक कर दिया गाइस। अब यहाँ से वापसी का कोई भी रास्ता अवेलेबल नहीं है। चलो जी, ये तो हो गई फालतू की बातें, अब हम करेंगे काम की बातें। काम की बातें ये है, यहां पे गोलम, एक विजार्ड, एक बेबी ड्रैगन और क्वीन, किंग, पैका, बॉलर्स, कुछ और विजार्ड्स, रेज, पॉइजन, क्वीन अंदर नहीं जा रही है जो कि दिक्कत है थोड़ी सी। बस किंग को निकाल दो तो भी काम हो जाएगा गाइस। किंग आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब सिर्फ हमें होग राइडर्स दौड़ाने गाइस पूरे बेस पे, ठीक है। अब तो काम हो गया समझो इस बेस का। एक और हील, विजार्ड, होग राइडर्स, कितना मजा आता है गाइस छोटे टीएच पे अटैक करने का, अपना ही आनंद है। अभी हमारे पास एक हील बची है स्वैग करने के लिए। ओ होग राइडर्स मर ना जाए हमारे, चलो गाइस नहीं मरे। और एक पॉइजन बची है हमारे पास स्वैग करने के लिए। और लगभग 1.5 मिनट के अंदर ये अटैक हमारा ट्रिपल हो गया है, क्या बात है गाइस। अरे हो जा 1.5 से यार, थोड़ा सा ज्यादा लग गया है ना। अलग अलग स्ट्रेटजी से अटैक करेंगे हम हर बार हर वीडियो में। अगला अटैक करने वाले हम न्यूली टाउन हॉल 11 पे, टाउन हॉल 10 मैक्स है ये, और अभी जस्ट टाउन हॉल 11 पे आया मेरे ख्याल से, क्योंकि 40-40 के हीरोज हैं इसके, अच्छे खास अपग्रेडेड है डिफेंस, जहां तक मुझे लग रहा है शायद मैक्स है गाइस ये टाउन हॉल 10 का। टाउन हॉल 11 पे नया नया आया है, तो इसके ऊपर हम करेंगे टाउन हॉल 10 से अटैक। हमने एक प्लान पता क्या करा है, हमको अपनी क्वीन को ना इस वाले चैनल के अंदर एंट्री करानी है, हाइब्रिड करने वाला हूं इसके ऊपर गाइस मैं हाइब्रिड। तो यहां पे जब क्वीन घुस जाएगी तो ये वाला सारा कंपार्टमेंट लेती हुई चलेगी, सीसी को टेक डाउन कर लेगी, ये सब कुछ इतना इतना हिस्सा अकेले क्वीन निकाल लेगी गाइस। और उसके बाद हम अपने यहाँ पे उतारेंगे किंग को, और जो हमारी हाइब्रिड है वो यहाँ से एंट्री लेगी गाइस इस तरह से, और पूरे बेस को ना पेल पाल के रख देगी। तो ये हमारा प्लान है, आइए देखते हैं गाइस क्या हम हाइब्रिड को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। लेट्स सी बॉयज एंड गर्ल्स। देखो गाइस आपने मेरे को प्लानर बना दिया धीरे धीरे, पहले मैं बिल्कुल प्लान नहीं करता था, सीधा अटैक करता था, आपने मेरे को परेशान कर करके ओपी वाला प्लानर बना दिया गाइस। अब मैं आपको इसलिए प्लान बताता हूं ताकि आप लोग भी मेरे घटिया प्लान को समझ सके। अभी क्वीन अंदर नहीं जाएगी मेरे को लग रहा है, पता नहीं क्यों, इसलिए मेरे को किंग पहले उतार देता हूं मैं, वरना एक किंग बाहर खींच लेगा क्वीन को।
सही फैसला था मेरा किंग को उतारने का। एक पॉइजन यहां पे यूज करनी पड़ेगी। और अब हमारा बहुत जल्द स्टार्ट होगा हाइब्रिड। क्वीन की एबिलिटी चली गई है। मम्मी परेशान कर रही हैं गाइस हमारे बीच में। मम्मी कह रही हैं बेटा काम करो, काम कुछ भी नहीं है, प्लंबर आया हुआ, कह रहे प्लंबर से पहले बात करो, आपकी वीडियो जाए भाड़ में। मैंने कहा मम्मी काम कर लें दो यार, एक अटैक तो कर लें दो, अटैक तो फेल कर लें दो मुझे एक बार। तो गाइस यहां पे थोड़ा सा डिस्टरबेंस के बावजूद हमारा अटैक किसी तरह से चालू तो है। अभी ट्रिपल होएगा या नहीं होएगा ये तो गॉड को मालूम है, पर माता जी ने अपना काम करके निकल गई हैं। और होग राइडर्स और माइनर्स अपना काम करने में लगे हुए हैं और करके ही रहेंगे। क्या बात है गाइस, हाइब्रिड से भी हमने रगड़ तगड़ के 3 स्टार मारने में कामयाब हो गए। माइनर्स को देखो गाइस क्या बढ़िया खुदाई कर रही है ये जानदार तरीके से। और एक कोई क्या रह गया, क्या रह गया, ओ ये रह गया गाइस, ये क्वीन का खोपड़ा रह गया, तोड़ दो इसको। देखो गाइस टर्न 9-10 हमने कर दिया, अब चलेगा इलेक्ट्रो ड्रैगन का सुपर वार ऊपर से लेके नीचे तक फटाई पट। और सबसे पहले हम करेंगे टाउन हॉल 12 के ऊपर। टाउन हॉल 11 से हारा की फुल्ली मैक्स नहीं है पर टाउन हॉल 12 तो है। आइए गाइस मिल देते हैं इसको। और बहुत दिनों से कह रहे थे मोगी भाई इलेक्ट्रो ड्रैगन वाला रूप कहां गया आपका, ले भाई आ गया, देख ले अब लठ बजाती प्रतियोगिता में कैसा हिस्सा लेते हैं। और देखो इलेक्ट्रो ड्रैगन में कोई प्लान नहीं है मेरे पास, मेरे से मत पूछा करो इलेक्ट्रो ड्रैगन के प्लान। इलेक्ट्रो ड्रैगन में एक ही प्लान होता है, जाओ और जाके पील दो बस, इसके सिवा कोई प्लान काम नहीं करता इलेक्ट्रो ड्रैगन के अंदर। देखो ऐसे आर्मी उतरेगी, ऐसे स्टोन स्लैमर और पहली रेज, दूसरी रेज वार्डन एबिलिटी और बस बेस खत्म। अब आप कहोगे मोगी भाई इसमें हमको प्लान समझाओ, भाई इसमें ना कोई सा प्लान, सीधी बात है इसको बोलते पेलम पाल प्रतियोगिता प्लान, बस जिसने पेल दिया उसी का प्लान तकड़ा है, जो पिल गया उसका प्लान खराब है। टाउन हॉल निकाल लो नाश खेतों। ओके गाइस टीएच आ गया, नाश खेतों ने घंटा लगाया पर टीएच आ गया है। भाई टीएच 12 है, थोड़ा सा तो परेशान करेगा ना, वैसे तो ज्यादा सा कर रहा है ये परेशान मेरे को, क्योंकि क्वीन के हाथ में इंपॉर्टेंट काम है और वो कर दिया। क्वीन का इंपॉर्टेंट काम था उस एक्सबो को टेक डाउन करना और वो एक्सबो क्वीन ने निकाल के दे दी। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है 3 स्टार का तन तनाता हुआ झनझनाता हुआ रपाटा। और ये काली माइंस बुड्ढे के हाथ में छड़ी देख रहे हो, पटक पटक के मारेगा ये बुड्ढा। भाइयों और मेरे भाइयों अगला शिकार है हमारा ये, और आर्मी कौन सी है आपको तो मालूम ही है, बिला बिला ब्लिजार्ड नहीं है यार, बिला बिला पता नहीं मैं क्यों बोल रहा था भूल गया हूं, मेरे को लगा मैं ब्लिजार्ड लेवल उन करने वाला हूं, फिर मेरे को याद आया आज तो मैं इलेक्ट्रो ड्रैगन गोड बना हुआ हूं। तो गाइस इलेक्ट्रो ड्रैगन गोड इज कमिंग बैक विद इट्स बाहुबली सेना और फेना ही लेना। वार्डन एबिलिटी हमने दे दिए, पॉइजन हम डालेंगे क्वीन के ऊपर, रॉयल चैंपियन को हम बचा के रखेंगे, एक रेज हम कोर में मारेंगे और कोर हो जाएगा उससे गायब, कोर हो जाएगा गाइस 1-2 का 4 और या फिर 4-2 का 1 कर दिया हमने कोर को बहुत आसानी से। रॉयल चैंपियन हमारे पास बची हुई है जिसका मुझे लग रहा है कि हमें इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डबल फ्रीज
स्वैग के साथ ट्रिपल विद आर्मी, देखो अभी कितनी बची हुई है आर्मी, इतनी बची है कि वापिस से घूम घाम के फिर पेल पाल देगी गाइस, इतनी आर्मी अभी हमारे पास। मैं इनको निकालना नहीं चाह रहा था गाइस इलेक्ट्रो ड्रैगन्स को, पर आप लोगों ने ना कमेंट करवा करवा के ना इनको बाहर जबरदस्ती निकलवा दिया, जबरदस्ती एकदम। गाइस अगला अटैक जो हम करेंगे, सबसे पहले इस टुच्चे से बेस को ट्रिपल मार देते हैं, टाउनल 13 से जस्ट है, टाउनल 14 पे आया भी, और इलेक्ट्रो ड्रैगन का इस्तेमाल करेंगे, और इस बेस के ऊपर इलेक्ट्रो ड्रैगन अटैक करना मुश्किल है। हल्के में मत लेना, ये मत कहना मोगी भाई ये तो टाउनल 14 का नंबर वन बेस है, ना ना ना, मतलब कि एक स्टार बेस है। दिक्कत पता है इसमें क्या है, ये तीन तीन इन्फर्नो सिंगल टायर देख रहे हो, ये इलेक्ट्रो ड्रैगन को चेन डैमेज ही नहीं मिलेगा, एक एक सिंगल टारगेट इन्फर्नो दो दो इलेक्ट्रो ड्रैगन को गिराने का दम रखता है ये। पर ये तो गई खाम खां की बात, अभी ट्रिपल करने की कोशिश करते हैं इसको, मतलब मुश्किल है इस बेस को ट्रिपल करना इलेक्ट्रो ड्रैगन्स के साथ। ये इसको कहते हैं प्रॉपर एंटी इलेक्ट्रो बेस, और हमें प्रॉपर इलेक्ट्रो ड्रैगन प्लेयर, तो बेस अपना काम करेगा, हमको करना अपना काम। सिंगल टारगेट तो आ गए हैं गाइस दो कंपार्टमेंट के, पर उस प्रोसीजर में इलेक्ट्रो ड्रैगन्स हमारे मर गए हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा था आर्मी इसमें बचाना ही मुश्किल है इस बेस के ऊपर, ये इस तरह का बेस है कि आर्मी आपकी ज्यादा देर तक सर्वाइव कर नहीं पाएगी। स्प्रेड बेस है इलेक्ट्रो ड्रैगन के लिए, चैन डैमेज बन नहीं पाता है, पर कोई दिक्कत नहीं है गाइस, गधी तो तब भी बैठेगी। अब देखो सिंगल टारगेट तक सिर्फ रॉयल चैंपियन है जो पहुंच सकती है, बाकी किसी की हिम्मत नहीं है जो उसको जाके टेक डाउन कर ले। तो उसी हिसाब से हमने इसको प्लान किया था गाइस अटैक को। अब ये कितना भी मैक्स होता, हमारे पास तीन फ्रीज बची हुई है, तो आप समझ सकते हो कि इस बेस का क्या हाल होता, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे मोगे भाई ये मैक्स नहीं था, अरे भाई जब मैक्स होता जब मैक्स का बाप होता, पटक पटक के मारा जाता गाइस उसको यहाँ पे। एक अटैक और पेलेंगे टाउनल 13 को इलेक्ट्रो ड्रैगन्स के साथ, ये वाला बेस है, और ये वाला अटैक करेंगे हम इस पे जो हमने चालू कर दिया। गॉड मिस करा हमने इलेक्ट्रो ड्रैगन्स को, फाइनली जेल से बाहर निकाला इनको, अब देखो क्या काम करते हैं जेल से निकल के। काम तो इन्हें वैसे वही करना चाहिए जिसके लिए मशहूर है, और वो आपको पता ही है कौन सा काम है। एयर स्वीपर जीवन में दुख दे रहा है गाइस, सिंगल टारगेट तो अलग ही दुख है। एक सिंगल आ गया है, एक सिंगल और आ जाए तो काम 36 है फिर इस बेस का। और गाइस आपको पता मैं अटैक कर रहा हूं, सिंगल कैसे नहीं आएगा, सिंगल भी आएगा डबल भी आएगा मल्टी सल्टी पल्टी सबको पेल के रख देगा थारा भाई मोगिंदर। रॉयल चैंपियन की एबिलिटी बच रही है, बचे हुए डिफेंसिस की खाल उतार देगी एबिलिटी। ये लो ये मारी दे के एबिलिटी, पटाई पटर खत्म। ऐसे ही थोड़ी ना इलेक्ट्रो ड्रैगन किंग बन जाते हैं, बहुत पिटाई करके जाते हैं। एक अटैक करने के लिए वापस हम नीचे की तरफ आ गए क्योंकि हमारी TH9 की आर्मी तैयार हो गई है, और ये तैयार हुई है विच वाली आर्मी। तो पिछली बार हमने शायद होक्स के साथ किया था, इस बार हम करेंगे विच के साथ। इसमें क्या करना, कुछ नहीं करना, स्पैम करना बहुत कड़ा करके। आओ गाइस स्पैम सिखाता हूं आपको, आपको तो पता ही स्पैम में मैं कितना एक्सपर्ट हूं। पॉइजन डालते हुए गाइस मम्मी आ गई है, मम्मी परेशान करेगी हमेशा की तरह वीडियो के दौरान, कहेगी बेटा खाना खा अटैक छोड़ दे। देखो गाइस मेरी मम्मी को कोई मतलब नहीं अटैक चल रहा है कि क्या चल रहा है। माय मॉम ऑलवेज ओपी, तो यहां पे
अटैक तो हमारा चालू है, जंप भी हमारी आ गई है, और हील करना मैं भूल गया था तो उसको अब हील कर देता हूं गाइस। क्वीन जा रही है किंग के पास मिलने के लिए, और किंग आपको पता ही बदतमीज है गाइस, पता नहीं क्वीन क्यों गई है, एबिलिटी दबा देते हैं, चलो चली गई तो चली गई, क्या कर सकते हैं, पागल औरत है पर है तो अपनी ना। क्वीन मरने वाली है गाइस, मर गई। अब किंग के हवाले वतन साथियों, हीलर्स घूम रही हैं पागलों की तरह साथियों, पर कोई दिक्कत नहीं है गाइस, किंग से ही वतन को पार लगाएंगे अब हम। हीलर्स देखो कैसे आ रही है चुपचाप, बहुत बढ़िया, किंग को हील करते हुए हीलर्स। 2,000-3,000 साल में ऐसा देखा जाता है कि सही ट्रुप को जाके हील करें हीलर्स। बहुत सारी विचेज है हमारे पास, अभी 4-5 विच लग रही है ना गाइस, और किंग लगा पड़ा दीवार तोड़ने में, तोड़ के ही छोड़ेगा, मानेगा नहीं, ये बैरी है एकदम, बैरी समझते हो, बैरी का मतलब होता है जिद्दी। और किंग के साथ घूम रहे हैं बहुत सारे मुसेंगर, मुसेंगर यानी कि छोटे छोटे बालक, छोटे छोटे बालक यानी कि फ्रीज को स्वैग कर देते हैं गाइस। किंग की एबिलिटी अभी तक हमको दबाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे पता था, क्योंकि हीलर्स इसको फुल मैक्स कर देंगे एकदम। और गाइस आज की वीडियो में रहेगा इतना ही, या फिर एक इलेक्ट्रो ड्रैगन अटैक और कर दूंगा, या फिर कोई और अटैक कर दूंगा, क्या पता, मन ही नहीं कर रहा गाइस। आज की वीडियो में रखते हैं हम इतना ही, 30 स्टार में पक्का मार के रहूंगा। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद आएगी तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, क्योंकि मेरी मम्मी आ गई है, मेरे को खाना खिला के छोड़ेगी, इसलिए मैं अगले अटैक कर नहीं रहा हूं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, साथ में ध्यान रखो माता पिता का भी।